नमस्कार, मी अमृता भारती, उल्हास लाईन बुलेटिन मध्ये आपला स्वागत आहे। शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अमन टाकीज रोड या ठिकाणी पवन उर्फ जीत गुप्ता यांचे ज्यूस सेंटर आहे। पवन रात्रीच्या सुमारास ज्यूस सेंटर दुकान बंद करत असताना दोन अज्ञात इसमांनी ज्यूस सेंटर मध्ये येऊन पवनवर हल्ला केला। यात पवनच्या पाठीवर, डोक्यावर, हातावर गंभीर दुखापत झाल्याने त्याला उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले। हा हल्ला टीम ओमिकलनच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचा आरोप पवन गुप्ता यांनी केला आहे। यापूर्वी पवन गुप्तावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता। काही दिवसापूर्वी पवनची पत्नी प्रियंका हिने न्याय मिळत नसल्याचे सांगत मंत्रालयाच्या 6व्या मजल्यावरून उडी मारून जीव देण्याचा प्रयत्न केला होता। आता या प्रकरणी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास पोलीस करत आहे। या प्रकरणी टीम ओमिकालानीशी संपर्क केला असता त्यांनी कॅमेऱ्यास बोलण्यास नकार दिला। ओमिकालानी के लोग मेरे दुकान के पीछे रोशन माफीचा पंगती लोग आली और मनीष सिंघरानी, इन लोगों का साजिश है पूरा जान से मारने की। ये देखिए, आते मंत्र में दुकान अपना बंद किया, मैं थोड़ा दुकान बंद करके मैं जो मेरी कीमती सामान है मैं साइड में करूँ, और लोग आके डायरेक्ट मेरा गला दबाए और बोलते तेरी औकात कैसे हुआ है शटर उठाने का। मैं अरे भाई क्या हुआ, छोड़ो हम गरीब आदमी, मेरे को धंधा। बोलता तेरी औकात कैसा हुआ है, रोशन भाई का एरिया तू शटर कैसे उठाए, हम टीम मूवी का लाने के, ऐसा वैसा गाली गलौज दिया और मेरे पीठ पे मारा और मेरे चैन पहना था, चैन खींच के लेके और मेरे गले में 2-3 हज़ार रुपये थे वो भी लेके चले गए सर। इस बारे में स्थानीय पुलिस को आपने जानकारी दी? सर हमने दिया, हमारे साहब खोते साहब थे, बोलते बेटा क्या हुआ, मेरा साहब ऐसा ऐसा टीम मूवी का लाने के लोग मारे हैं। बोले ठीक है, आप मेडिकल जाओ, हम देखते हैं माना वो देखते ही रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, हम देखते हैं। और हमारा सुधाकर साहब है, हमारे ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगाए भाई, हर पुलिस चौकी में इसके ऊपर गुनाह दर्ज है, 3 से 4 गुनाह दर्ज है। और पहली बार मैं व्यापारी हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, और भले हम गुनहगार हैं हर चौकी में, तो हमारा निकालिए रिकॉर्ड, हमारा कौन कौन सा रिकॉर्ड है। और हमारे सुधाकर साहब ये अगले न्यूज में दिए, और ये सेंटर पुलिस चौकी पे थोड़ा भी मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि गैमन डीसीपी स्क्वाड के लोग आए, गुंडे लोग आए, ओमिकलानी के कहने पे सब आए, वैगनार गाड़ी में आए, ना यूनिफॉर्म में आए, ना आईडी कार्ड लेकर आए, ना कुछ भी लेके आए, डायरेक्ट आए मेरा कॉलर पकड़े। और मेरे पास वो वीडियो भी है, और वो भी वीडियो मैं वायरल करूँगा। और उन लोग हैं मेरी वाइफ को और एक नीता गौड़े को करके, और मेरे ऊपर खोटा खोटा गुनाह दाखिल कराया, इन्होंने मेरे को जेल जलवाया और 6 कलम डाला। ऑन ड्यूटी पे कर्मचारी को मारना, हमको किस बेस पे मालूम पड़ेगा ये ऑन ड्यूटी है, ये कौन सा मालूम, हमको पुलिस वाला है, पुलिस वाले तो वर्दी में आइए, डिपार्टमेंट की सरकार की गाड़ी लेके आए, वैगनार गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत है। और वो बोलते कांच फोड़ा, हमने कांच फोड़ा तो प्रूफ कीजिए, हमने कांच फोड़ा तो गाड़ी का फोटो दिखाई, हमने सब किया, ये सब शायद ओमिका लाने का काम है, ये हमारे पीछे हमारा जान लेने के पीछे पड़ा है, हमको शहर में रहने नहीं देगा। अगर हमको न्याय नहीं मिला, अगर ओमिका लाने, पंकज तिलोकानी, रोशन माखीजा और अपना मनीष सिंघरानी को कार्रवाई नहीं होगा, हम लोग मंत्रालय में जाके, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, हम लोग आग लगा के मरेंगे। हमको न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। और इन लोग पैसे के दबाव में फ़ोन कर करके सबको मैनेज कर लेते, ये सेंटर का रूल है। क्या वजह है ये लोग आपके पीछे पड़े हैं? मालूम नहीं सर क्या वजह है, अभी मैं इनका कार्यकर्ता, मुझे कुछ 8-9 महीना पहले मेरे ऊपर हमला किया था। काल रात्री अजित उर्फ पवन प्यारेलाल गुप्ता नावाचा पेशंट आपल्याकडे संध्याकाळी 11:20 कॅज्युलिटीमध्ये आला, आणि त्याला सोबत वाईफ आणि बाकीचे लोक म्हणजे आले होते, आणि त्याला आपल्या कॅज्युलिटीमध्ये आपण एक्झामिनेशन केली, त्याच्या इंजुरीचे एक्झामिनेशन केली आणि त्याच्यावर आपण उपचार चालू केले। सर इंजुरी किती डीप आहे आणि कुठे कुठे इंजुरी झाली त्याला? हां, इंजुरी डोक्यावर आहे एक समोरच्या बाजूला, त्यानंतर मानेवर पण समोरच्या बाजूला, त्यानंतर इनसाइड राउंड अप साइड लॅटरल आस्पेक्ट होता, आणि डाव्या हातावर लॅटरल साईडला म्हणजे बाजूच्या साईडला आहे। आणि इंजुरी कशाप्रकारे असेल, इंजुरीसाठी कदा चाकू किंवा ब्लेड म्हणजे शार्प वेपनचा वापर
झाला असावा. आता त्याची प्रकृती कशी आहे? प्रकृती आता तो आपण ॲक्च्युली त्याला सी टी स्कॅनसाठी ॲडवाईस केलं होतं, पण ते सी टी स्कॅन आणखी म्हणजे इथं पेशंट थोडं स्टेबल असल्यामुळे इथं ठेवलं आहे. पण सी टी स्कॅन त्याला करणं गरजेचं आहे, कारण डोक्यावर जो मुठा मार लागलेला आहे. रेफर केलं हां कळवा हॉस्पिटल, सी टी स्कॅनसाठी कळवा हॉस्पिटल, शिवाजी हॉस्पिटल कळवा, तिथं आपण रेफर केलेलं आहे. उल्हास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राइब करें, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाईल पर.